गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है इंडिया इंडस्ट्रीज, क्लास 4 की बुक है, सोशल स्टडीज। चैप्टर 14 इंडिया इंडस्ट्रीज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चैप्टर 14 इंडिया इंडस्ट्रीज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम नेचर, हम लोग को नेचर से क्या क्या मिलता है। द आंसर इज वी गेट From nature, fruit, wood, vegetables, honey, wheat, cotton, jute, sugar cane, etc. हम लोग को नेचर से यानी कि प्रकृति से फल, लकड़ियाँ, सब्जियाँ, शहद, वीट, गेहूँ, कॉटन, कपास, जूट, रेशे और शुगर कैन, गन्ने, etc. और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को प्रकृति से मिलती हैं, नेचर से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What changes the raw natural resources into finished goods? कच्चे प्राकृतिक संसाधन को तैयार माल में क्या बदल देता है। The answer is industries change the raw natural resources into finished goods. After proper conversion, these raw natural resources come into usable state. उद्योग जो होते हैं वो कच्चे प्राकृतिक संसाधन तैयार माल में बदल देते हैं। आफ्टर प्रॉपर कन्वर्जन यानी कि उचित रूपांतरण के बाद क्या होता है कि जो कच्चा प्राकृतिक सामान जो होता है, साधन जो होता है, वो यूज करने की अवस्था में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। द आंसर इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, द कॉटेज इंडस्ट्रीज, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। उद्योग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योग, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि लघु उद्योग और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि बड़े पैमाने पर उद्योग। यानी 3 प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं, 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्कफोर्स इज यूज्ड इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े पैमाने उद्योग में यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में किस प्रकार का कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल एंड वर्कफोर्स, यानी कि वर्कफोर्स मतलब कार्यबल का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के कच्चे माल का और कार्यबल का प्रयोग किया जाता है। द आंसर इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज हेवी रॉ मटेरियल्स, हेवी मशीन्स, हाईली स्किल्ड वर्कर एंड इन्वॉल्व्स ह्यूज कैपिटल। यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग में भारी कच्चे माल, भारी मशीनों, अत्यधिक कुशल श्रमिकों का उपयोग करते हैं और इसमें बड़ी पूंजी भी शामिल होती है। बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या क्या होता है कि हेवी रॉ मटेरियल्स यानी कि भारी कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, हेवी मशीन्स, भारी मशीनों, हाईली स्किल्ड वर्कर उच्चतर कुशल श्रमिक का उपयोग करते हैं, ह्यूज कैपिटल और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी पूंजी भी शामिल होती है। नंबर 5, राइट द नेम ऑफ एनी 5 प्लेसेस वेयर मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर सिचुएटेड, किन्हीं 5 स्थानों के नाम लिखना है जहाँ आयरन और स्टील प्लांट स्थित है, सिचुएटेड है। आयरन मतलब होता है लोहा और स्टील प्लांट्स मतलब होता है इस्पात संयंत्र। द आंसर इज बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, सलेम एंड दुर्गापुर आर 5 प्लेसेस वेयर मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर सिचुएटेड। जमशेदपुर, भिलाई और सलेम एंड दुर्गापुर, ये 5 जगह है जहां प्रमुख आयरन एंड स्टील प्लांट्स इस्पात संयंत्र स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लेसेस इन इंडिया आर नोन फॉर देयर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, भारत में कौन से स्थान जो अपने जहाज निर्माण के उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। द आंसर इज विशाखापत्तनम, कोची एंड मुंबई आर प्लेसेस इन इंडिया आर नोन फॉर देयर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि विशाखापत्तनम, कोची एंड मुंबई, ये वो जगह है जो अपने जहाज निर्माण के उद्योगों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच इंडस्ट्रीज बेंगलुरु एंड कानपुर आर फेमस, कानपुर और बेंगलुरु किस उद्योग के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। द आंसर इज बेंगलुरु
and Kanpur are famous because of heavy industries. यानी कि बेंगलुरु और कानपुर जो है वो किसके लिए फेमस है? हेवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है. विच मेक्स एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर एंड देयर पार्ट, जो कि क्या क्या बनाता है? जहाज, हेलीकॉप्टर और उसके पार्ट पुर्जे बनाता है. बिसाइड दिस इंडस्ट्रीज, इसके अलावा कौन कौन से उद्योग है? मैक्स फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इत्यादि. इसके अलावा ये सारे उद्योग भी बेंगलुरु और कानपुर में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन एनी कंट्री? किसी भी देश में उद्योगों का स्थान क्या तय करता है, क्या डिसाइड करता है? आंसर इज द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट्स. इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर रीडली अवेलेबल. उद्योग में, किसी भी देश में उद्योगों का स्थान वहाँ की कच्चे माल की उपलब्धता, जमीन यानी कि भूमि, पानी, मजदूर, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, ट्रांसपोर्ट, परिवहन एंड मार्केट्स, ये सारे डिपेंड करता है. क्या डिपेंड करता है? किसी भी देश में उद्योगों का स्थान ये सब डिसाइड करता है, तय करता है. और इसके अलावा क्या होता है? इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर रीडली अवेलेबल. उद्योग वहाँ स्थित किए जाते हैं जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं. और ये सब जब सामान आसानी से मिल जाएगा तभी वहाँ उद्योग शुरू किए जाते हैं. Fill in the blanks by choosing the correct word from the box given below. खाली जगह को भरना है. We get many useful things from nature. यहाँ पर nature होगा, N-A-T-U-R-E. Two में है industries in which goods are produced by family members with the use of simple machines are called cottage industries. यहाँ पर cottage होगा. Three, industries in which highly skilled people work on heavy machine are called the large scale industries. Four में availability of raw materials and electricity decide the location of industries. Five में है the things we get from the nature are called natural resources. Six में है industries convert to the natural resources into finished goods. सेवन में है गुड्स प्रोड्यूस इन दिस इंडस्ट्रीज आर यूज टू मीट डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर लाइफ. एट में है इंडस्ट्रीज इन विच सम मशीन आर यूज एंड वर्कर्स टू प्रोड्यूस थिंग्स आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. वी गेट नेचुरल रॉ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज. हम प्राकृतिक कच्चा संसाधन हम लोग को इंडस्ट्रीज से मिलता है? नहीं, नेचर से मिलता है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा. टू में है इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली हेवी थिंग्स ऑफ आवर यूज. उद्योग जो होते हैं वो केवल भारी चीज़ों का उत्पादन हम लोग के लिए करते हैं? नहीं, फॉल्स होगा. छोटी बड़ी सारी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स होगा. थ्री में इंडिया हैज़ मेड रेपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस. ट्रू, क्या होगा यहाँ पर? ट्रू होगा. स्वतंत्रता के बाद जो हमारा जो इंडस्ट्रियल है, उद्योग जो है वो तीव्रता से बढ़ी है भारत में, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ट्रू होगा. फोर में है इट इज़ ओनली इन द इंडस्ट्रीज डैट द रॉ नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल स्टेट. यस, ट्रू. इंडस्ट्री जो है वो कच्चे प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करने की अवस्था में बदल देते हैं, तो यहाँ पर ट्रू होगा. फाइव में है सम इंडस्ट्रीज मेक स्मॉल थिंग्स एंड अदर इंडस्ट्रीज मेक हैवी थिंग्स. यस, ट्रू. कुछ इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो छोटे चीज़ों का उत्पादन करते हैं और कुछ जो है वो भारी चीज़ों का उत्पादन करते हैं. सही है, इसलिए यहाँ पर भी ट्रू होगा. सिक्स में है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड सम स्किल्ड एंड सम अनस्किल्ड पीपल. सही है. जैसे कि लघु उद्योग में क्या होता है कि कुछ ट्रेंड वर्कर होते हैं
काम करते हैं और कुछ अनट्रेंड वर्कर होते हैं, यानी कि श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। बात सही है, इसलिए ट्रू यहाँ पर होगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज हैवी रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस थिंग, यस ट्रू। यानी कि बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, भारी कच्चे माल की यूज करके चीज का उत्पादन करते हैं, इसलिए ट्रू होगा यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नीडेड फॉर रनिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। रॉ मटेरियल्स, वर्कर, सिंपल मशीन, यानी कि है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो रॉ मटेरियल्स कच्चे माल की, वर्कर्स श्रमिक यानी कि मजदूर, सिंपल मशीन यस साधारण मशीन की, ऑल ऑफ दिस, इसलिए ट्रू यहाँ पर डी में टिक आउट होगा। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट आइटम टू रन अ कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैवी मशीन। कॉटेज यानी कुटीर उद्योगों में कौन सा जो चीज़ है वो प्रयोग नहीं किया जाता है, रॉ मटेरियल यूज़ की जाती है, वर्कर यूज़ किए जाते हैं, वर्कर श्रमिक का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, हैवी मशीन का यूज़ नहीं होता क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री कुटीर उद्योग छोटे मोटे चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर टिक आउट होगा। थ्री में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपूरथला। कौन सी जगह है जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नहीं है, यानी कपड़े को उद्योग नहीं है, कपूरथला यहाँ पर टिक आउट होगा। फोर में, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस आ स्टील प्लांट इज नॉट लोकेटेड, यानी कि कौन सा वो निम्नलिखित में से जगह है जहाँ एक स्टील प्लांट स्थित नहीं है, मुंबई, सलेम में है, रौरकेला में है, भिलाई में है, लेकिन मुंबई में नहीं है। फाइव में है, व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय मोर इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री, ऑल ऑफ दिस, एक देश में अधिक उद्योगों द्वारा क्या प्रदान होता है, क्या हमें प्रोवाइड करता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर इनकम, बेटर प्रोफिटेबिलिटी, इसलिए डी में टिक आउट होगा। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, नंबर यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग मैचिंग भी कर सकते हैं। चितरंजन, चितरंजन का क्या होगा, रेलवे लोकोमोटिव्स, अहमदाबाद टेक्सटाइल, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर में क्या है, स्टील प्लांट है, अहमदाबाद में क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, विशाखापत्तनम शिप बिल्डिंग होता है, और प्रेमबर में रेलवे कोचेस। राइट डाउन एनी टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, नेचुरल रिसोर्स में जूट कॉटन वुड कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योगों में क्या बनता है, शॉल ब्लैंकेट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूटेंसिल पॉलीबैग्स, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, रेलवे इंजन्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आते हैं लार्ज स्केल में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या आते हैं, रेलवे इंजन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स में क्या आते हैं, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल प्रोड्यूसिंग, प्लेसेस ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि जगह बताना है कोच्चि एंड मुंबई,